हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अब हम लोग अपनी स्ट्रक्चर की जो श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके माध्यम से एक साथ दो स्ट्रक्चर्स रखने जा रहे हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस सर्वल प्लस हैव बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव, और दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव। यहाँ पर हम लोग दोनों स्ट्रक्चर्स को एक ही तरीके से प्रयोग करते हैं, और इस संदर्भ में मैं जानकारी अभी दूंगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो जब पास्ट में, खास करके आप देखोगे जहाँ कहीं भी शैल विल का इस्तेमाल होता है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि यह फ्यूचर से रिलेटेड होगा, भविष्य से रिलेटेड कोई बात होगी। लेकिन यहाँ पर यह एक तरह से एक्सेप्शन है, अपवाद है कि इन दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ होगा, तो जब पास्ट में हम किसी की पद के बारे में कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं तो उसे बताने के लिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट कि हम हॉस्पिटल में जब होते हैं और अपने पेशेंट के साथ कोई डॉक्टर के वेशभूषा में यदि वहाँ से गुजरते हैं, डॉक्टर के ड्रेस में यदि गुजरते हैं, तो हम इमेजिन करते हैं कि शायद वो डॉक्टर रहे होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कोई दूसरे व्यक्ति भी हो, लेकिन हमारे मन में एक कल्पना होती है कि नहीं, मतलब वह डॉक्टर रहे होंगे। तो उस तरीके के सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए हम लोग इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो जब पास्ट में हम किसी के पद के बारे में कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उसे बताने के लिए इसका यूज करेंगे। जिसके बारे में चर्चा करेंगे दैट इज सब्जेक्ट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है अभी तक, आप एकदम आपके दिमाग में आ गया होगा कि दैट व्हाट इज सब्जेक्ट, क्योंकि मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में बताया हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यहाँ पर शैल विल या यहाँ मे कॉमन है, वैसे आई वी के साथ नॉर्मली शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के साथ विल का, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग सभी जगह शैल या विल का यूज कर सकते हैं। हैव बीन फिक्स्ड है, नाउन जिस पद की चर्चा करेंगे, एडजेक्टिव जो कि उसकी विशेषता को बतलावे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, जैसे सी विल हैव बीन अ डॉक्टर, मतलब वह एक डॉक्टर रही होगी, मतलब पास्ट में हम इमेजिन कर रहे हैं वह एक डॉक्टर रही होगी। निगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट को शॉर्ट में हम लोग वॉन्ट बोलते हैं, सी वॉन्ट हैव बीन अ डॉक्टर। फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जैसा कि हम लोग प्रत्येक स्ट्रक्चर में करते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सेकेंड वर्ड को पहले ले आएंगे, जैसे विल सी हैव बीन अ डॉक्टर। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है, मतलब निगेटिव सेंटेंस है, उससे हम वॉन्ट को पहले ले आएंगे या केवल विल को बाहर ले आएंगे, मतलब वॉन्ट सी हैव बीन अ डॉक्टर या विल सी नॉट हैव बीन अ डॉक्टर। तो यहाँ पर हम लोग विल के बदले दूसरा स्ट्रक्चर मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सी मे हैव बीन अ डॉक्टर, सी मे नॉट हैव बीन अ डॉक्टर, मे सी हैव बीन अ डॉक्टर, मैन सी हैव बीन अ डॉक्टर, मे सी नॉट हैव बीन अ डॉक्टर। तो इसका आप देखेंगे, यदि आप सोचेंगे तो हम लोग को इस तरीके का सेंटेंस बोलने का जरूरत पड़ता है, जिसके बारे में हम नहीं जान रहे, बस एक इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि नहीं वह डॉक्टर रहा होगा, वह टीचर रहे होंगे, वह इंजीनियर रहे होंगे। तो इस प्रकार से जब पास्ट में हम किसी के पद के बारे में कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं वह नेता रहे होंगे, तो उसे बताने के लिए इस स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। तो जैसा कि हम लोग सभी स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ भी प्रैक्टिस करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। याद रखेंगे कि सिर्फ आप इस चीज़ पर फोकस नहीं करो कि हमें यह वीडियो देख लेना है, समझ लेना है, या अपने कॉपी में एक्सप्लेनेशंस लिख लेना है, उससे कुछ भी नहीं होने जा रहा है, आप में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा जब तक कि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप इसको बोल करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसको समझने के बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए क्या होता है, प्रैक्टिस करना। तो जैसा कि प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए क्या करना है, या तो आप कॉपी में कुछ सेंटेंस बना लो, उसको देख करके पहले प्रैक्टिस करो, फिर एक टाइम सेट करो कि नहीं हमें एक मिनट में इतना सेंटेंस बोल देना है, एक मिनट में हम लोग 50 वाक्य तक बोल सकते हैं यदि बोलने का आप प्रैक्टिस करोगे तो। और बोलने के बाद आप ये आपके पास यदि कोई दूसरा पार्टनर मिल जाए तो एक आदमी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछो, दूसरा जवाब दो। तो कन्वर्सेशन की भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक आप ग्रुप बना करके उसको डेवलप कर सकते हो। तो ये सब करने के पश्चात क्या होगा कि आपका फ्लो डेवलप होगा, जिससे कि फ्लुएंसी आएगी और आप में कॉन्फिडेंस
डेवलप होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है ना कम्युनिकेशंस को डेवलप करने के लिए घर बैठे भी जो है आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर के साथ भी कुछ डेमो दे देते हैं कि आप हमेशा टारगेट रखो कि चार सेंटेंस हम एक सांस में बोल लें। जैसे ही विल हैव बीन अ डॉक्टर, ही वॉन्ट हैव बीन अ डॉक्टर, विल ही हैव बीन अ डॉक्टर, वॉन्ट ही हैव बीन अ डॉक्टर, सी विल हैव बीन अ टीचर, सी वॉन्ट हैव बीन अ टीचर, विल सी हैव बीन अ टीचर, वॉन्ट सी हैव बीन अ टीचर, दे विल हैव बीन अ डांसर, दे वॉन्ट हैव बीन अ डांसर, विल दे हैव बीन अ डांसर, वॉन्ट दे हैव बीन अ डांसर, सी मे हैव बीन अ राइटर, सी मे नॉट हैव बीन अ राइटर, मे सी हैव बीन अ राइटर, मे एंड सी हैव बीन अ राइटर, ही मे हैव बीन अ टीचर, ही मे एंड हैव बीन अ टीचर, मे ही हैव बीन अ टीचर, मे एंड ही हैव बीन अ टीचर, सी मे हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, सी मे एंड हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, मे सी हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, मे एंड सी हैव बीन अ गुड स्टूडेंट। यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जैसे अभी हम प्रैक्टिस के क्रम में बता रहे हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों को उस तरीके से अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखने के लिए, इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग, जैसे हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो उस समय हम लोग ट्रैफिक के रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब जिधर मन हो आप गाड़ी चलाओ, इसके लिए हम लोग ग्राउंड चूज करते हैं गाड़ी चलाना सीखने के लिए। तो उसी प्रकार से आप स्ट्रक्चर पर जितना तेजी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और कॉन्फिडेंट होने के बाद आपको बोलने में कम कठिनाई महसूस होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस स्ट्रक्चर के पास अभी रोक रहा हूँ, और फिर हम लोग अगले स्ट्रक्चर के साथ एक नए वीडियो के साथ आएंंगे। तो आपने यदि हमारे पिछले वीडियो को देखा हो तो इट्स ऑल राइट, यदि नहीं देखा हो तो नंबर वन स्ट्रक्चर का जो श्रृंखला है वह स्ट्रक्चर वन स्ट्रक्चर टू इस तरीके से हमारा दिया हुआ है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर वन, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर टू, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर थ्री। तो प्रत्येक स्ट्रक्चर्स को आप फॉलो करो, फिर आने वाले स्ट्रक्चर्स को भी फॉलो करो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप नोटिफिकेशंस के लिए क्लिक कर सकते हैं कि ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए मेल के माध्यम से, और फिर आप घर बैठे अंग्रेजी बोलने का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, थैंक यू।